कल की गई है जी, कल रात को लोड हुई थी जी, आज कल सारा दिन वहीं खड़ी रही। ना इसमें मिट्टी डली है कोई, ना जी सर 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 सीएम साहब की ऑलरेडी मालूम है, ये है क्या पौने 300 करोड़ वो तो पहले बोल दिए आपसे पहले ही है, लेकिन पहले जो त्रुटि रही है वो मंत्री जी आपको ही कहेंगे, आपसे ठीक कराएंगे। सर जब हमारे पास से ब्याज काट लिया सरकार ने, अब तो सरकार आप है तो देने का किताब भी है, हमारे पास से काट लिया, अब देखो हमारे पर गलती क्या है, डिमांड है जी, जो हमारी गलती क्या थी, सरकार ने हमारे को पेमेंट लेट दी, जिस दिन सरकार ने हमारे को पेमेंट दी दिल्ली की राज मंडी में मैं आया और खरीद की व्यवस्थाएं देखी हैं, लिफ्टिंग की और किसान के लिए ठहरने की, खाने पीने की, टॉयलेट की, और जो बारदाने की समस्या थी या जो भराई की समस्या है, सब लोगों से स्टेक होल्डर से मुलाकात की, किसानों से की, मंडी वालों से की और अधिकारियों से की, सुचारू रूप से सारा काम चल रहा है और किसान को 72 घंटे में हम पैसे देंगे, मंडियों में कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होने देंगे और जो जो सुविधाएं हो सकती हो हम देंगे। तो लिफ्टिंग की समस्या आती, लिफ्टिंग का जो मेरे भाइयों ने बताई है उसके समाधान हम कर देंगे। तो अब की बार उत्पादन जैसे कम है मंत्री जी, तो किसान भी कुछ तो इस बार उत्पादन नहीं, कुछ तो लोगों ने गेहूँ कम करके सरसों बोया, दक्षिण हरियाणा में तो गेहूँ है ही नहीं और बाज़ार का भाव भी कुछ ज़्यादा है, तो बाज़ार का भाव ज़्यादा होने से हमारे, मैं गया हूँ इधर की मंडियों में जो रेवाड़ी का है, झज्जर का है, दादरी का है, 1 किलो भी गेहूँ नहीं आया, वो सब लोगों ने अपना गेहूँ रोक लिया, तो कई फैक्टर है, उत्पादन कम होगा तो वो क्रॉप कटिंग में आ जाएगा, उसका पता लग जाएगा, बीमा कंपनियाँ क्रॉप कटिंग हर गाँव में 4 जगह कराती हैं, तो वो तो बीमित किसान हैं उनको तो उससे बीमा मिलेगा उत्पादन कम का, और हमें खुशी ये है कि बाज़ार का भाव की इस बार संभावनाएँ ज़्यादा ही है, अभी भी दक्षिण हरियाणा के ज़िले हैं उनमें 200-300 रुपये गेहूँ ऊपर बिक रहा है। तो किसान यूनियन द्वारा जैसे 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस की डिमांड कर रहे हैं, डिमांड करना उनका हक है, वो कुछ भी डिमांड करते रहे, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि किसान को सबसे ज़्यादा भाव इस बार मिल रहे हैं, सरसों 7-8 हज़ार रुपये के बीच में बिक रही है, कपास 11-12 हज़ार रुपये बिक रही है, बाजरा भी 2 हज़ार से ऊपर है, 600 रुपये हमने भावांतर भरपाई दी, ज्वार का भाव भी ऊपर है, गेहूँ का भाव भी 100-200 रुपये ऊपर ही बिक रहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि किसान को अच्छा भाव मिल रहा है। तो कुरुक्षेत्र अंबाला में जैसे सरकारी जो आंकड़े हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि 15-20% तक, अभी ये जल्दी है कहना, अभी ये जल्दी है, बोनस के बारे में कुछ सोचा जा सकता नहीं, बोनस का अभी तो भारत सरकार को फैसला करना है, अभी विषय उठा नहीं।